एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है। रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम गोंडा के लिए। लखनऊ और बलरामपुर से एनडीआरएफ की टीमें रवाना की गई हैं। यानी राहत और बचाव का जो काम है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, इसके लिए बकायदा आप एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। गोंडा रेल हादसे पर अभी की ये बड़ी खबर, ये आप देख रहे हैं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ जो ऊपर लिखा हुआ था, यही वो ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है। चंडीगढ़ से इसे डिब्रूगढ़ पहुंचना था लेकिन गोंडा के पास हादसे का शिकार हो गई है ट्रेन। युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से, एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, 1 को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डरेल हुए हैं और हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। कौन सी ट्रेन थी? ये 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन थी। अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा, अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफर कर रहे थे, तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग चला रहे हैं, तो क्या उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है, उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। रेलवे के उनका यह कहना था, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाएं और जो लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं, जो घर जा पाने की स्थिति में हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूसरी ट्रेन के जरिए या फिर बसों के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाए। और ये आप देख रहे हैं प्रशासन के लोगों की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, जिलाधिकारी लिखा हुआ था एक गाड़ी के आगे आपने देखा, यानी डीएम भी मौके की तरफ रवाना हो चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे। जरूरत इस बात की है कि जो अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए। जितना वक्त गुजरता जाएगा घायलों की हालत उतनी गंभीर होती जाएगी। संजय, राहत और बचाव के काम को लेकर कुछ और अपडेट मिल पाया हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए जितने भी घायल हैं, 25 घायलों की जो संख्या बताई गई है उनमें से 6 घायल ऐसे हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, तो इनको हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। जो भी नज़दीक के ज़िले हैं, अयोध्या में, गोंडा में, जहाँ जिसको जिस तरह की चोट है, जिसको जितनी तकलीफ़ है, उनकी गंभीरता को, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उस तरह की सेवाएँ मुहैया कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। उनको ले करके टीमें जा भी चुकी हैं, एम्बुलेंसेज लगातार मौके से निकल भी रही हैं। तो ये अपडेट अब तक का है कि जो घायल हैं उनको समुचित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। अन्य जो लोग भीतर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो रेलवे की टीमें हैं, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं, वो भी लगातार काम कर रही हैं। साथ ही साथ जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं लखनऊ से डीआरएम, वो भी रवाना हो चुके हैं गोंडा के लिए और मौके पर जा करके वो भी राहत और बचाव करेंगे। जिला गोंडा पहुंच चुकी है मौके पर, इसके अलावा आसपास के जो बड़े अधिकारी हैं जहां पर मौजूद है, जहां की एक्सपर्ट को हल किया सकता है। ठीक है संजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा लेकिन अब रविकांत के पास चलते हैं, रेलवे से जुड़ी खबरों पर आप रविकांत बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं, क्या और पता चल पा रहा है आपको, रेलवे के सोर्स क्या बता रहे हैं, इस हादसे को लेकर कुछ और जानकारी मिल पाई हो तो बताइए। देखिए, अभी भी वार रूम में सिर्फ अखिलेश कोशिश हो रही है कि इस जो राहत और बचाव की प्रक्रिया है उसको अपने अंतिम चरण तक कैसे सफलतापूर्वक पहुंचाएं और जल्द से जल्द पहुंचाएं। जो यात्री हैं उनको जल्द से जल्द अगर बसों के थ्रू ले जाया जा सकता है और वो राजी हैं तो ऐसे लोगों को बस के थ्रू ले जा रहे हैं और RPF के जो जवान हैं वो उनको स्कॉर्ट करके ले जाएंगे और उनके घर तक उनको छोड़ा जा सके, ये कोशिश है। ये
देखा जा रहा है कि यात्रियों को बस से छोड़ करके ये ना हो कि यात्रियों को बाद में परेशानी हो, इसलिए उनको उनके घरों तक छोड़ा जा सके इसके लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है और उन यात्रियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। कोशिश यही हो रही है कि दूसरी ट्रेन के आने का इंतज़ार न किया जाए और अगर यात्री तैयार हैं तो जो मैक्सिमम यात्री तैयार हैं उनको बसों के थ्रू उनके घर पहुँचाया जाए। इन बिटवीन जो घायल हैं उनकी सहायता की जा रही है, उनको अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो मौके पे दी जा रही है और नहीं तो उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। कोई अगर बचा हुआ है, फंसा हुआ है, उसकी पूरी कोशिश हो रही है। NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं, साथ में जो RPF है वो भी कोशिश कर रही है कि उनकी सहायता करें। इस और जो राहत और बचाव की ट्रेन होती है वो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके माध्यम से, उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसके माध्यम से ये कोशिश हो रही है कि राहत और बचाव कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सफलतापूर्वक और जल्दी से जल्दी अपने अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ साथ पैरेलल जो पटरी से उतरी हुई ट्रेन है उसको कैसे पटरी पर लाएं या क्या करेंगे, किस तरीके से उसको दुरुस्त करेंगे, उसकी भी पैरेलल कोशिश चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्विक रिस्पॉन्स, यानी जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। ABP News आपको रखे आगे।